मध्य प्रदेश के विभिन्न आदिवासी बाहुल्य नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में 27 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हम पहुंचे हैं नगर परिषद बैहर में। हमारे साथ इस वक्त खास चर्चा के लिए मौजूद है बैहर विधायक संजय सिंह उइके जी। उइके जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे, नगर परिषद बैहर जो भी इतिहास इसका रहा है, पिछले कार्यकाल में आपकी सरकार रही है, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, इस बार क्या संभावनाएं तलाश रहे आप? देखिए, पिछले बार नगर परिषद बैहर में कांग्रेस का अध्यक्ष था और तब हमने कुछ बड़ी मांगे, जैसे कि इसमें एक बैहर शहर में एक तालाब है, हृदय स्थल पर एक तालाब है, उस तालाब के नवीनीकरण का हमने घोषणा किए थे, बीच सभा में कहे थे। और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा आपके माध्यम से बैहर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं को कि उस सीढ़िया तालाब के नाम से जो तालाब था उसका जीर्णोद्धार का काम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इसके साथ साथ बहुत सारे नगर पालिका परिषद के अनेक वार्डों में जो सीसी सड़क है, नाली का काम है, बिजली का काम है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं नगर परिषद बैहर में पिछले कार्यकाल में संपन्न हुई कांग्रेस की सरकार के समय में। अभी हम लोग पुनः नगर पंचायत नगर परिषद बैहर के निर्वाचन में मैदान पे हैं। वर्तमान जो चुनाव हैं अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है, पार्षद का चुनाव है, पार्षद के बाद में फिर अध्यक्ष चुने जाएंगे। लगभग हमारे ये 15 वार्ड में से 14 वार्ड में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। एक वार्ड पिछली बार एक हमारा जो प्रत्याशी था आदिवासी महिला थी, उस आदिवासी महिला के पति पर अनावश्यक दबाव डालकर सरकार द्वारा अपने शासन तंत्र का उपयोग करके ज़बरदस्ती महिला जो हमारी अभ्यर्थी थी वो उसके खिलाफ़ में जाकर उन्होंने फॉर्म उठाया, जिसके कारण हमारा एक कांग्रेस का प्रत्याशी कम हुआ और हम 14 प्रत्याशी कांग्रेस के मैदान में हैं। वार्ड 14 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, बाकी हम पूरे 14 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम पिछले कार्यकाल में नगर परिषद बैहर में अच्छे काम किए हैं। निश्चित तौर पे जनता की बहुत अपेक्षा होती है, वार्डों में अनेक काम रहते हैं, 5 साल में पूरा काम कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो कुछ कार्य हमारे अवश्य रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हमारी द्वारा परिषद मतदाताओं द्वारा बैहर के अगर हमको आशीर्वाद देते हैं तो जो बचे हुए कार्य हैं हम उसको पूर्ण करेंगे। बैहर नगर परिषद में जैसा कि आपने बताया, चुनाव के पहले ही एक वार्ड में झटका लगा है कांग्रेस को, ऐसी स्थिति में 14 जो उम्मीदवार हैं उनके भी संभावनाएं क्या बसती है कांग्रेस के पास कि वो अपना अध्यक्ष बना पाएगी, फिर से काबिज हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे लगभग 8 से 9 पार्षद नगर परिषद बैहर में चुनकर आ रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है। ये चूक कहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से कांग्रेस को चुनाव के पहले ही झटका लगा? देखिए, चूक कहीं नहीं हुई है ना, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रशासन का, अपने शासन तंत्र का दबाव देकर, दुरुपयोग कर हमारे अभ्यर्थी से फॉर्म उठवाया है। हर पार्टी चुनाव में अपने मैनिफेस्टो जारी करती है, कांग्रेस का इस नगर परिषद बैहर के लिए क्या मैनिफेस्टो है, क्या विज़न है? देखिए, विकास, विकास में सारी चीज़ें आ जाती है, लोगों के मनोरंजन के लिए पार्क की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, नालियों की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, जगह जगह वाचनालय हो लोगों को, ऐसी बहुत सारे विकास, एक विकास शब्द में सारे मुद्दे आ जाते हैं। विकास का अर्थ यही है कि संपूर्ण विकास। एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, यहाँ की जनता बता रही कि उन्हें जो पट्टे मिलना चाहिए था वार्डों के अंतर्गत, जो निवासरत परिवार है उनको अभी तक वो नहीं मिल पा रहे हैं, कई लोग बिना भूमिहीन परिवार की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं। देखिए, बैहर नगर परिषद में एक सबसे बड़ी कमी है और मैं कई दिनों से कहता भी आया हूँ और मैंने विधानसभा भी इस बात पर लगाया हूँ कि जब कहीं पंचायत से नगर परिषद का गठन होता है तो जो संपूर्ण भूमि रहती है ग्राम पंचायत की, उसको शहर होने पे नजूल भूमि घोषित की जाती है और दुर्भाग्य से यहाँ नजूल भूमि घोषित नहीं हुई है, लेकिन शासन उसको पट्टा जारी कर रहा है जो कि अवैधानिक है। और जब तक बहुत सारी ऐसी ज़मीन, जब सरकारी ज़मीन नजूल घोषित हो जाएगी तो पट्टा देने में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी, मेरा ऐसा मानना है। मैंने इसके लिए विधानसभा में भी लगाया था, कई बार शासन प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित किया लेकिन नहीं हो गया। अगर हमारी परिषद आती है तो निश्चित तौर पर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। किस तरह का आप लोगों ने जनता से वादा किया इस चुनाव में? देखिए, जनता से वादा तो हमारा संपूर्ण विकास का है, लेकिन विकास के साथ साथ कई बार अभी मैंने देखा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार शासन द्वारा नगर परिषद को कर्ज में डाला गया है, पूरे मध्य प्रदेश की नगर परिषदों को।
कर्ज में डाल के विकास के कार्य किए जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना रहता है कि मैं खुद नगर पालिका प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि हम नगर परिषद के आय के स्रोत कैसे बढ़ा सकते हैं, और इस ओर न सरकार का ध्यान है और न किसी का ध्यान है। मैंने नगर पालिका परिषद मलाछंड को इसी ओर लेके गया था, लगभग उसका 40 लाख का सालाना बजट होता था, मैंने उसको करोड़ों के रुपए के बजट में लेकर पहुंचाया था। तो अगर इस बार नगर परिषद में हमारी सरकार बनती है तो मेरा पहला काम यही होगा कि हम नगर पालिका के आय के स्रोत बढ़ाएं। जब आय के स्रोत बढ़ेंगे तो जब पैसे आएंगे तो हम उसको विकास कार्य में लगाएंगे और हम कर्ज मुक्त होंगे, कर्ज से नगर पालिका नहीं दबी होगी। एक अंतिम सवाल, 14 में से 8 नंबर 8 पार्षदों को जिताना, कितना आश्वस्त है आप? देखिए, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, चूँकि हम फील्ड में हैं, हम वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, लोगों से सतत हमारा जनसंपर्क है, और जिस तरह से हम जनसंपर्क में जा रहे हैं तो जनताओं का जो हमको वो मिल रहा है, आकर्षण मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जनता जिस अंदाज में हमसे आती है, मिलती है और बातें करती हैं, तो निश्चित तौर पे हमको कहीं ना कहीं यह संदेश है कि पूरा हम पूर्ण बहुमत में नगर परिषद में बैठेंगे। संजय उके ने काफ़ी सारी बातें कही है BGT मीडिया से। उन्होंने बैहर और मलाछखंड के विकास को लेकर जनता से कई वादे और दावे किए हैं। देखना यही होगा कि कांग्रेस पर क्या नगर परिषद बैहर की जनता और मलाछखंड की जनता भरोसा जताएगी।